10th Global Agriculture Leadership Summit 2017. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। आज हम बात करेंगे 10th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट एंड अवार्ड 2017 की। दिल्ली के ताज पैलेस होटल में ICFA द्वारा 10th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट एंड अवार्ड 2017 का आयोजन किया गया। कृषि के क्षेत्र में किस तरह से तकनीक और मार्केटिंग के जरिए सफलताओं के नए आयामों को छुआ जा सकता है, उस पर चर्चा हुई। कृषि के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की और कृषि को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है उस पर भी अपने विचार साझा किए। पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान के विकास से ही देश का विकास संभव है। इस बदलते दौर में विज्ञान ही संभवतः मानव जाति का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। विज्ञान के जरिए भारतीय कृषि के परंपरागत और भाग्यवादी स्वरूप के स्थान पर नया व्यवसायिक और औद्योगिक स्वरूप विकसित करने में काफी हद तक भारत ने सफलता हासिल की है और भारत आगे भी इसी तरह कृषि के क्षेत्र में सफलता की बुलंदियों को छुए। इसी कड़ी में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद की ओर से 10th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट एंड अवार्ड 2017 का आयोजन नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में किया गया। कार्यक्रम में अन्य राज्यों के कृषि मंत्री सहित कृषि जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने शिरकत की। कृषि सम्मेलन की शुरुआत प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के भाषण से हुई। इस मौके पर प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने कहा कि खेती का काम फायदेमंद होना चाहिए, जिससे किसानों की आय बढ़े और युवा इसकी ओर आकर्षित हो। Years have seen great changes in Indian agriculture. Some of them are for good. Some of them, like climate change, drought, floods, there have been serious problems in different parts of the country. Also, the income of the farmers has not been going up. With the result, the farmers have to get indebted, and there is continuous demand for loan waiver. Obviously, you can't sustain a credit system based mainly on loan waiver. What it means is we have to make agriculture much more productive, much more profitable, much more employment opportunity for young people. The youth should be attracted towards agriculture. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस मौके पर एग्रीकल्चर टुडे द्वारा प्रकाशित 7th एग्रीकल्चर ईयरबुक 2017 का विमोचन भी मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारतीय कृषि उत्पादों के वैश्विक बाजार में निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर किसान कुछ उपजाते हैं तो उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलनी चाहिए और उसके लिए हम जल्द ही एक अच्छी नीति का ढांचा तैयार करेंगे। The agenda is going to be very aggressive. This is a development round. We want to make sure that agriculture produce in India, along with many others. I am not talking about it today because it's an agriculture program. We will like to make sure that Indian farmers get their due by getting better price from global markets. This is very important, and this is going to be part of our strategy to increase farmers' income in India. Why should our farmers not get the same privilege of realizing a better price for his produce? And same will be the truth for other activities like horticulture and allied activities. We must realize the huge economic activity that are developed on the periphery of agriculture. Try to help farmer to access global market to develop that. So we'll have to develop global supply chains
and we are actually going to work on that. So I'm not going to say I have started working, I took charge yesterday. So we'll start working on it. This is our agenda for my government and my ministry and our government led by our Prime Minister, and we'll make sure that we'll achieve this goal to ensure that Indian agriculture will also be able to feed the hunger of others, also an income for themselves, and grow global economy. वहीं इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि अब किसान सरकार के टारगेट में आ गया है, अब सिर्फ उत्पादों पर नहीं बल्कि किस तरह किसानों की आमदनी उनकी आय में वृद्धि हो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। निर्यात के साथ साथ ये एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग हैं उनको इसमें जोड़ के वो कैसे बढ़ पाए और उनका कैसे इसमें से बेनिफिट हो, इस प्रकार के कुछ सुझाव आपके साथ आपके यहाँ से हमें मिलेंगे तो अच्छा रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को और कोऑपरेटिव फार्मिंग को उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए या सेक्टर को फिक्स कर दिया जाए एरिया के ज्योग्राफिकली या इनकी एग्रो जो क्लाइमेट होता है उसके अनुरूप कि ये वीट ही पैदा करेंगे ये यही पैदा करेंगे और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देकर हमारा जो इम्पोर्ट है उसका बैलेंस करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ये इस प्रकार की घोषणा की कि मैं हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। ये इससे एक बात साफ हो गई कि किसान अब सरकार के टारगेट में आ गया है, अब इसको रास्ता ढूंढने में हम किस तरह से कोशिश में मदद कर सके इसमें आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये हमको रास्ता दिखाने में अंगुली निर्देश करने का श्रेय भी ले सकते हैं और रास्ता दिखा भी सकते हैं। और इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने भी अपने विचार साझा किए। किसानों को हमने जोखिम फ्री किया है और पिछले 2.5 सालों में 2,500 करोड़ का कंपनसेशन हरियाणा के फार्मर्स को दिया है। ऐसा पहला राज्य है जिसने इतनी बड़ी मात्रा में इतने कम समय में कंपनसेशन फार्मर्स को दिया है। प्रति एकड़ 12,000 रुपये में हमारा किसान जो है कवर होता है और जिन्होंने बीमा कराया 30% किसान ऐसे हैं जिनको 25 से 28,500 रुपये तक का भी बीमे के कारण से मिलता है प्रति एकड़। 12 लाख तक भी किसानों को जो है कंपनसेशन मिले हैं। दूसरी बड़ी बात जो हमने की है कि अब हरियाणा की सारी खेती को हम पैरी अर्बन एग्रीकल्चर के कंसेप्ट में लेके आ रहे हैं। दिल्ली की 4 करोड़ की जो आबादी है उसके लिए डिमांड बेस्ड खेती करें तो हम वहाँ फल फूल सब्जियाँ उगाने जा रहे हैं। हमने हरियाणा के 340 विलेजेस को बागवानी विलेज डिक्लेयर किया है। 10th ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप समिट एंड अवार्ड 2017 के अवार्ड कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि रहे। कुल 21 विभिन्न कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए। पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड दिला। एज यू अवेयर दैट अवर तेलंगाना स्टेट newly formed state on June 2nd 2014 from divided from Andhra Pradesh. Within this 3 years period our Honorable Chief Minister K. Chandrasekhar Rao ji is himself farmer. He knows what are the problems of farmers, how they are facing problems, how to solve the problems. I am on behalf of my Honorable Chief Minister KCR, I must thank the Indian Council of Food and Agriculture for inviting for the inauguration of 10th Global Agriculture Leadership Summit 2007. Are required, sir, 4 types of help from the government. One is a good high yielding seed in the beginning. Second is sufficient power
whoever requires sufficient water for irrigation. Third one is timely investment. Fourth one is minimum support price reasonably. इसी के साथ छत्तीसगढ़ को बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट, राजस्थान को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट और पशुपालन में आंध्र प्रदेश को उसके उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ प्रोफेसर कदमबूत सिद्दीकी को रिसर्च लीडरशिप अवार्ड, डॉक्टर मंजीत मिश्रा को एकेडमिक लीडरशिप अवार्ड, डॉक्टर गजाला अमीन को फार्मिंग लीडरशिप अवार्ड, आईबी ग्रुप को एग्री बिजनेस लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ डीसीएम श्रीराम लिमिटेड को सीएसआर लीडरशिप अवार्ड, महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड को कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड, मिस्टर सुरेश अग्रवाल को एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड, अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लाइवलीहुड लीडरशिप अवार्ड, डॉक्टर बख्शी राम को डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड, डॉक्टर पीवी मोहन राव को बिजनेस लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ डॉक्टर एस के पटेल को एक्सटेंशन लीडरशिप अवार्ड मिला तो प्रोफेसर आर बी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, के आर बी एल लिमिटेड को ट्रेड लीडरशिप अवार्ड, डॉक्टर इब्राहिम मायाकी को अफ्रीकन डेवलपमेंट अवार्ड, एम्बेसडर कैनस क्विन को इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड और इसी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। किसी कार्यक्रम में जो गवर्नर जाता है तो कार्यक्रम गौरवान्वित होता है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में आकर के तो मैं खुद गौरवान्वित हो रहा हूं। और यही कारण है कि मैं लगातार तीसरी बार उपस्थित हूं आप सबके बीच में। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके जो कुछ प्रयास हैं, द एफर्ट्स विच दे आर मेकिंग, दैट इज द नीड ऑफ द कंट्री, dire need of the country, देश की परम आवश्यकता है वो। कृषि सम्मेलन में वैश्विक कृषि अवार्ड्स के साथ साथ समारोह के पहले दिन ICFA और जर्मन एग्री बिजनेस अलायंस और साथ ही ICFA और आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी USA के बीच MOU भी साइन हुआ। I think this the expertise that German Agri Business Alliance brings in and the expanding role of ICFA in India's food and agricultural landscape, the two organizations together, I'm sure will be able to raise the bar much higher and address the concerns being expressed and the agenda and the work that is required to be done. So much greater cooperation with the industry we foresee, and the expertise that German Agri Business Alliance brings onto the table and the organizational expertise and the strength that ICFA brings on the table, put together I think we'll be able to strengthen India's food and agriculture sector with your expertise, with your cooperation, and we leave no stone unturned in translating the intent of this MOU into the action on the ground. Yeah. Thank you very much indeed. And next is signing of the MOU between ICFA and Iowa State University, USA. Congratulations. Yeah. Iowa State University, USA and ICFA are getting into signing an MOU. So I am happy that Dr. Manjeet Mishra, who is the director of Seed Science Center of Iowa State University, a year and a half back, we succeeded after 2 years of our efforts, consistently 3 visits to Iowa, to get first time Haryana State and the Iowa State signing up MOU in Des Moines. Agriculture Minister of Haryana led the delegation, and that became the first Indian state to sign up a sister state of another US state. So I think taking that forward with this signing up MOU between Seed Science Center of Iowa State Agriculture University, Iowa State University, ISU and ICFA, particularly the strength that is there in
knowledge generation, dissemination, training and development of the seed sector in Iowa and in the United States, that expertise of the seed science center, which is headed by Dr. Manjeet Mishra, and ICFA's work, I think two together should be able to contribute to the growth of the seed industry in India and in developing countries, taking it forward to Africa as we move forward into partnering with African states. Thank you. 10th Global Agriculture Leadership Summit and Award 2017 के दूसरे दिन भी कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। किसान को टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि इससे जो आउटपुट निकलेगा वो खरीदेगा कौन। हमने किसान को बीज दिया कि ये उगाओ बहुत अच्छा है, लेकिन हमने उसको ये कभी नहीं बताया कि इसको बेचना कैसे और कौन खरीददार है। और अगर हम रिवर्स कर दें सिचुएशन को, अगर हम किसान को ये कहें कि साहब ये दुकान है, ये कस्टमर है, इसको सब्जी चाहिए, तो किसान का अगला सवाल यही होगा कि भाई साहब कौन सी सब्जी चाहिए, मैं वही उगा के देता हूं। तो कभी भी किसान क्राइसिस में नहीं होगा। लेकिन हम किसान को सब्जी उगाना सिखाते हैं, अनाज उगाना सिखाते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि खरीदेगा कौन। क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, सर्विस को ध्यान देना होगा। सिर्फ आलू उगा दिया इज नॉट एनफ, क्योंकि मार्केट में कोई भी एग्रीकल्चर कॉमोडिटी या प्रोडक्ट को हम अगर कॉमोडिटी की डेफिनेशन से बाहर नहीं हटाएंगे तो कॉमोडिटीज में कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। ये किसानों का बड़ा सीधा साधा मामला है, और तो उसका सलूशन बड़ा मुश्किल है। मामला ये है कि उसके जो उपज को फेयर प्राइस, फेयर वैल्यू मिलना चाहिए। अगर मार्केटिंग ठीक से हो जाए तो किसान का जो सरप्लस है, जो किसान आगे बेचेगा, वो इमीडिएटली उसको फेयर वैल्यू मिलेगा। कि किसान इंडिविजुअली ई पोर्टल में तब जा पाएगा यदि उसके गाँव में बिजली आ रही हो और इंटरनेट चलेगा। नो, इंडिया में बिजली के पोजीशन अब इट इज़ इम्प्रूविंग रैपिडली, लेकिन जब वो पूरा हो जाएगा तब इंडिविजुअल किसान भी ई पोर्टल पे आ जाएंगे। हाँ, दैट मीन्स ई पोर्टल में जाके फ्यूचर ट्रेडिंग अगर किया जाए तो वो अभी ठीक से हुआ नहीं है, एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, कंसेप्चुअली शुरू हो गया है, कहीं कहीं हो भी रहा है। जैसे एक नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है अहमदाबाद का, वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर रही है। पर देखिए, वो गुजरात में करना ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ 24 घंटे की बिजली है, क्योंकि 24 घंटे की बिजली है गांव में, तो किसान इमीडिएटली एट द प्रेस ऑफ अ बटन वो इंटरनेट पर जा सकता है। वो जो बाकी स्टेट्स में हो जाएगा तो बड़ा आसान होगा। Problems come from research and infrastructure. And I believe it's the investment in research that will pay off. That has been the lesson of the last 200 years. As money is put into research, more breakthroughs are made. That's why there are 7 Indian World Food Prize laureates, because India has had the educational institutions and it's had the business leaders who have taken these products and put them together. But you have to have the infrastructure, you have to have the roads, the technology, the mobile phones, the 21st century. But it's the combination of those things that will produce the boom in agriculture. वहीं समारोह के दूसरे दिन ICFA पार्लियामेंट्री फोरम, एग्री HR एजेंसी और इंडिया फार्मर अलायंस AIFA वेबसाइट को लॉन्च किया गया। वहीं समारोह के दूसरे दिन सांसद AP रापोलो, सांसद अनुपम हजरा और सांसद विंसेंट पाला मुख्य अतिथि रहे। देवियों और सज्जनों, कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम, कृषि वैज्ञानिक बुद्धिजीवियों का ये 2 दिन का 10वीं समारोह चंद मिनटों में संपूर्ण होने वाले हैं। रेवर्ड एम्बेसडर केनेथ क्विन, माय एस्टीम्ड कलीग्स डॉक्टर विंसेंट पाला, मिस्टर अनुपम हजरा, दि सोल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, दि एंटरप्राइजिंग
personality, Dr. M.J. Khan, veteran civil servant, Director General of ICFA, Alok Sinha ji, Professor R.B. Singh ji, elders and friends. The consistency of the Indian Council for Food and Agriculture in sustaining its agenda is itself an achievement. This is the 10th summit. Shubhamastu. वहीं ICFA के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान ने भी समारोह के बारे में अपने विचार साझा किए। एग्रीकल्चर नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में है, उसका एप्लीकेशन फार्मर करता है, उसका डिलीवरी इंडस्ट्री करता है, तो तीनों का जब तक एक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तब तक इफेक्टिव तरीके से एंड रिसर्च प्राइवेट सेक्टर भी करता है, तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूट्स एंड फार्मर्स पुट टुगेदर दैट कंप्लीट द चेन ऑफ नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। इंडिया को ग्लोबली शोकेस करना, ग्लोबल एक्सपर्टाइज को इंडियन फार्मर्स के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए किस तरीके से, बिकॉज इंक्रीजिंगली पूरी दुनिया इज बिकमिंग वन विलेज, सो हाउ बेस्ट वी कैन बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबल एक्सपीरियंसेस एंड हाउ बेस्ट वी कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एंड बिकॉज फूड सिक्योरिटी इज नॉट ए लोकल कंसेप्ट, इट इज ए ग्लोबल कंसेप्ट नाउ। दुनिया में कहीं पर भी फूड शॉर्टेज होगी, इट इज ए कंसर्न ऑफ एवरी वन, सो देयरफॉर एक कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। उसके लिए ICFA 2018 में बिगनिंग ऑफ द ईयर थर्ड वीक ऑफ जनवरी वी आर गोइंग टू हैव ऑन द पैटर्न ऑफ IITF, जैसे एक IITF प्रगति मैदान में होता है कृषि ट्रेड फेयर जिसको बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर का ट्रेड फेयर करने का प्लान है एंड उसी इंटरनेशनल स्केल में, सो वील हैव इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर, सो दैट थ्रू द टेक्नोलॉजी वी कैन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी बट थ्रू ट्रेड वी कैन इंप्रूव द इनकम ऑफ द फार्मर्स सबस्टेंशियली, सो देयरफॉर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बोथ आर वेरी मच रिक्वायर्ड। ICFA द्वारा आयोजित 10th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट एंड अवार्ड 2017 में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ, नीति निर्धारकों और किसानों को एक मंच के अपने विचार साझा करने के लिए 10th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट एंड अवार्ड 2017 में इस बार जोर दिया गया किसानों के विकास पर, किस तरह से न सिर्फ उत्पाद बेहतर हो बल्कि किसानों की आमदनी भी बेहतर हो, तकनीक का इस्तेमाल कर किस तरह से कृषि के क्षेत्र में नए आयामों को छुआ जा सकता है, उसे लेकर इस बार कार्यक्रम में चर्चा हुई। किसानों पर खासा जोर दिया गया, किसानों के विकास को लेकर खासा चर्चा की गई। इस बार कृषि के औद्योगिकरण पर खासा जोर दिया गया, सिर्फ उत्पाद ही नहीं बल्कि कैसे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है उस पर भी खासी चर्चा हुई। 10th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट एंड अवार्ड 2017 के रूप में कृषि के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक मंच मिला अपने विचार साझा करने का। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। Thank you.